हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 कैन वी शेयर पार्ट 2। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 165 से। आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 165 ओपन करना है। अब इधर लिखा है शेयरिंग देम इक्वली। हेयर आर 6 बनानास। अब इधर क्या दे रखा है, कितने बनानास है इधर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 बनानास दे रखे हैं। हेयर आर 3 मंकीज, और मंकीज कितने आप काउंट करिए, 1, 2 एंड 3। इफ दे शेयर द बनानास इक्वली, ईच मंकी विल गेट 2 बनानास। अब जैसे 6 बनानास दे रखे हैं, ठीक है, अगर हमें 3 मंकी में ये बनानास इक्वली शेयर करना है तो एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे, 2 बनानास। कैसे, हम 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3। 6 बनानास डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इक्वल टू 2 बनानास ईच। यानी क्या करेंगे, 6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2। यानी एक मंकी को हम कितने बनानास देंगे, 2 2। अब दूसरा एग्जांपल है, इफ देयर आर 6 बनानास, फिर से अगर 6 बनानास हो मगर कितने मंकीज हो, 2, ठीक है। अगर हमें 6 बनानास को 2 मंकीज में इक्वली शेयर करने हैं तो एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे, 3। क्यों, तो टोटल बनानास कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय मंकीज कितने हैं, 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आएगा 3। यानी एक मंकीज को कितने बनानास मिलेंगे, 3। नेक्स्ट पेज, If there are 60 bananas, अब दे रखा है अगर 60 bananas हो and 2 monkeys, और 2 monkeys हो तो एक monkey को कितने bananas मिलेंगे, How many will each monkey get, तो हम क्या करेंगे, 60 को हम 2 से divide कर देंगे तो आपका answer आएगा 30। What if there are 600 bananas and 2 monkeys, अब 60 की जगह अगर 600 bananas हो और 2 मंकीज में डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, 600 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 300। सो ईच मंकी विल गेट 300 बनानास। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपी कॉइन्स ऑन द ग्राउंड। अब 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको 10 5 रुपीज़, ये टोटल 5 रुपीज़ के कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 5 रुपीज़ कॉइन है। दे शेयर्ड देम इक्वली, वो 5 फ्रेंड्स ने वो जो कॉइन्स थे, 10 जो कॉइन्स थे 5 रुपीज़ के, वो शेयर इक्वली किए, ठीक है। ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 5 + 5 = 10 15 20 25 30 35 40 45 50, टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 50। अगर हम 50 को 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 50 रुपीज़ को, तो 50 डिवाइडेड बाय 5, तो एक फ्रेंड को कितने मिलेंगे, 10 रुपीज़। If there are 16 10 rupees, suppose कर लीजिए अगर 16 10 rupees हो and 4 friends to share, तो हम कैसे share करेंगे, then 16 divided by 4, 16 divided by 4, 16 को जब आप 4 से divide करते हो तो आपको क्या आएगा answer, 4, क्योंकि 4 4 का कितना होता है, 16, and 4 into 10 equal to 40, so each friends will get 40 rupees. 5 फ्रेंड्स फाउंड रुपीज 100, अब 5 जो फ्रेंड्स थे उनको 100 रुपीज मिले। इफ दे शेयर इट इक्वली, अगर 100 रुपीज को 5 जनों में इक्वली शेयर करना हो तो क्या, कैसे, कितने मिलेंगे एक जन को, 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो, ये देखिए ये मैंने डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, ओके, 5 0 ज़ा 0, तो एक जन को कितने रुपीज मिलेंगे, 20। हरि प्रसाद हैज 30 मीटर्स ऑफ रोप, हरि प्रसाद जो है उसके पास 30 मीटर्स की रोप है, रस्सी, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट इक्वली अमंग हिज 3 चिल्ड्रन, अब जो हरि प्रसाद है वो जो 30 मीटर्स की रोप है उसने अपने 3 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है, तो क्या आएगा, ईच चाइल्ड गेट्स डैश मीटर्स ऑफ रोप, तो एक बच्चे को कितने मीटर्स की रोप मिलेगी, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 10। इफ देयर इज 36 मीटर्स ऑफ रोप, सपोज कर लीजिए 36 मीटर्स की रोप हो तो अगर 3 जनों में डिवाइड करनी हो तो कितनी होगा, कितना होगा, 36 डिवाइडेड बाय 3, 36 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 12 मीटर्स, तो एक चाइल्ड को कितनी मिलेगी, 12 मीटर्स।
एंड इफ देयर इज 60 मीटर्स रोप, अब सपोज कर लीजिए 60 मीटर्स की रोप हो और सिक्स तीन बच्चों में हमें डिवाइड करनी हो तो क्या करेंगे, 60 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा आपका 20 मीटर्स. नाउ कम टू पेज नंबर 167. हाउ मैनी शेल्व्स. आई हैव 20 बुक्स, मेरे पास 20 बुक्स है. आई कैन कीप 5 बुक्स इन 1 शेल्फ, मैं एक शेल्फ में कितने बुक्स रख सकता हूँ, 5, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और टोटल बुक्स कितनी है 20. सो हाउ मैनी शेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा, ठीक है, तो मुझे कितने शेल्स अलमारी, सो हाउ मैनी शेल्स पूरी बुक्स, और एक अगर एक शेल्फ में 5 बुक्स आ सकती है तो मुझे कितने शेल्स चाहिए होंगे बुक्स रखने के लिए. ओके, तो फर्स्ट बुक 5 बुक्स इन फर्स्ट सेल्फ, इधर लिखा है 5 बुक्स इन 1 शेल्फ, तो 5 बुक्स इन फर्स्ट सेल्फ, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 20 में से 5 बुक्स अगर फर्स्ट शेल्फ में रख दी तो कितने बचेंगे, 15 बुक्स आर लेफ्ट. 5 मोर बुक्स इन सेकंड शेल्फ, वापस हमने 5 बुक्स और रख दी दूसरे शेल्फ में, तो 15 में से -5 कर दो, 10 बुक्स आर लेफ्ट. वापस जो थर्ड शेल्फ था उसमें हमने और 5 बुक्स रख दी, ठीक है, तो 10 में से 5 गया, 5 बुक्स आर लेफ्ट, अभी भी 5 बुक्स बची है. तो दूसरा शेल्फ है फोर्थ, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी हमने 5 बुक्स रख दी. ओके, तो सारा कंप्लीट हो गया, तो टोटल शेल्फ कितने, 20 बुक्स प्लेस करने के लिए अगर एक शेल्फ में 5 बुक्स रखी है तो पूरी 20 बुक्स कितने शेल्फ में आ गई, 4 शेल्फ्स में. 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 शेल्स ऑफ अलमीरा. 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5, ईच टेक 4 शेल्स. ये देखिए, ये फर्स्ट शेल्फ जो था जिसमें 5 बुक रखी, ठीक है, 20 में से 5 बुक्स इसमें रख दी, 15 बचा, 15 बचे, 15 में से 5 बुक्स इधर रख दी. ओके, 10 लेफ्ट हुआ, 10 में से वापस 5 बुक्स हमने इधर रख दी. ओके, फिर 5 बुक्स जो बची थी वो हमने 4th शेल्फ में रख दी, तो टोटल कितने शेल्स थे, 4 शेल्स. कम टू नेक्स्ट पेज, नाउ लेट अस ट्राई दिस. अब ये देखिए, हेयर आर 28 बटन्स, इधर दे रखा है कि ये जो टोटल बटन्स है अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, 28. अ टेलर पुट्स 4 बटन्स ऑन 1 शर्ट. अब जो टेलर होता है उसने एक शर्ट में कितने बटन्स लगाए, 4, और टोटल बटन्स कितने, 28. सो नाउ देयर आर 7 शर्ट्स विद बटन, ठीक है, अगर एक शर्ट में उसने 4 बटन लगाए तो और कितनी शर्ट में पूरे बटन्स प्लेस होंगे, हम क्या करेंगे, 28 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना होएगा, 7, तो यानी 7 शर्ट्स में और बटन लग सकते हैं. सो नाउ देयर आर 7 शर्ट्स विथ बटन, क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 ज़ा 28, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितनी शर्ट्स है, 7. ये देखिए 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7. इफ देयर आर 28 बटन्स एंड टेलर पुट 7 बटन्स ऑन ईच शर्ट, देयर विल बी 4 शर्ट्स विथ बटन्स, ठीक है. इफ देयर आर 28 बटन्स, अगर 28 बटन्स होते हैं और एंड द टेलर पुट 7 बटन्स, सपोज कर लीजिए अगर 4 बटन की जगह टेलर ने एक शर्ट में 7 बटन्स लगाए तो कितनी शर्ट्स में बटन लगेंगे, तो हम क्या करेंगे इस केस में, 28 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4. तब क्या होगा, देयर विल बी डैश शर्ट्स विद बटन्स, कितनी शर्ट्स होगी तब, 4 शर्ट्स. ओके, तो आज ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. टिल देन गुड बाय.